अकाल तख्त साहब जो संस्था है ना जी, ये मूल तौर पर जी साड़ी समुची सिख पंथ का, सिख सिद्धांत का, गुरु ग्रंथ साहब की विचारधारा का एक तरह निचोड़ है, सिद्धांतक भी तो अमली रूप से अमली रूप देने वास्ते भी जी। इस करके भावें अकाल तख्त साहब की संकल्प या विचार रूप में जो सिद्धांत है वह गुरबाणी च निहित है, जिस कह सकते हैं भी हलतमुखी तो पलतमुखी प्रभु सत्ता जी है गुरबाणी से आता है वो गुरु ग्रंथ साहब च निहित है। तो यदा जरा मेन स्थान गुरु हरिमंदर साहब है जी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जो सारी सिद्धांतक रूप में विराजमान ने तो वो हरिमंदर साहब के उसका प्रकाश है, तो उसका जरा जरा संसारी जलाओ है वह अकाल तख्त साहब है, जिसनों के गुरु हरगोबिंद साहब ने मीरी ते पीरी दे सिद्धांत किया, क्योंकि पीरी का सिद्धांत है पीरी की शक्ति जी धार्मिकता विचारधारकता फिलोसफी और जो कुछ भी साडा सिद्धांत कहता उसकी शक्ति है एक उसकी भी प्रभु सत्ता है जी, तो जो मीरी मतलब राजसी सत्ता साडे संसारी मामले, क्योंकि धर्म एक जरा सा सिख धर्म से उस सारी पंच गुरु साहबान हो चुके थे, बड़ा 100-125 साल हो चुका है, लेकिन एक नवी तरह की शेप लै रहे पंथ, लोड़ा नवी पैदा हो गई सी, टकराव बढ़ रहा है मुगल सर्कल सल्तनत नाल, उधर दारुल हर्ब की जी दारुल इस्लाम की जी नीति है जहांगीर की वह हावी हो रही थी, सो इस करके जरूरी सी। और बड़ा गुरु हरगोबिंद साहब ने दो तलवारा पहनिया जिन्होंने भाई गुरदास जी कहते एक दो एक मीरी की एक पीरी की, और जी दूजी क्रिश्चन क्रिश्चन के सिद्धांत है दो तलवारा का। अच्छा जी, वो कृपान वो भी कृपान सिंबोलाइज करता, कृपान सिंबोलाइज कर दी उन्हें सिद्धांत को, अच्छा पोप की सिद्धांत को, पोप की कृपान जी ना इको म्यान च दो तलवारा होंगे ओके म्यान इस तरीके, क्योंकि वो इको समय राजसी राजा भी सी हाकम से धार्मिक हाकम तो सी ही और राजसी हाकम भी सी पोप, इस तरह इस्लाम च आता है जरा इस्लाम है इस्लामिक हेड जड़े ने राशि, क्योंकि हरसर मोहन साहब खुद आप राशि आगू रहे ने धार्मिक पैगंबर भी सके, लेकिन गुरु हरगोबिंद साहब जी कृपान जी मीरी पीरी है जी वो शरीर के दोनों पासे ने, एक मीरी एक पीरी, और जरा अकाल तख्त साहब के सामने जो निशान साहब लगे ने दो वो भी इस गल सिंबोलाइज करते हैं जी, तो जी खंडा है जी सिद्धांतक सिद्धांतक रूप दो कृपान है दो सिद्धांत है उन्होंने वो जोड़ता आपस, वो इकट्ठे भी ने अलग अलग भी ने, एक गल बड़ी समझने की लोड़ है, निशान साहब दो ने होंद वक्री दो है लेकिन जोड़ता उन्होंने खंड है, खालसा पंथ सिद्धांत इतिहास इतिहास दौड़ा, सो जो इस तरीके ने लेंदे हैं तो इतिहास के बड़ी वाला एक विकास उत्पत्ति हुई है अकाल तख्त साहब की संस्था की। देखो लड़ाई तो मुगलों नाल है जी, उन्होंने घेरिया हों सारा दरबार साहब कंपलैक्स, उत्थे सिखां जाण दी इजाजत नहीं सी, जसोर जल दा हुंदा सी लेकिन लोग इशनान करके सिंह जिहड़े सी ताकतवर हुंदे सी, फिर छो लोग चुप के जाते सी, ऐसे समां भी आया सी, लेकिन भाई मनी सिंह साहब वेले इह जरा खुली गल जी, सो मैं समझदा कि वह इतिहास है वह जरा जो जो बंदी सिखां दा ते तत् खालसा दा फैसला भी होया जी, भाई मनी सिंह जी करों दरबार साहब होया अकाल तख्त साहब अगे होया जी, सो बड़ा वड्डा इतिहास है। सो मैं समझता कि जी साड़ी संस्था है ना जी इतिहास के इवॉल्व हुई है, सरबत खालसा उत्थे होकर जो फैसले करता पंथ उस समय के हालात मुताबक तो भी अकाल तख्त साहब से होंगे, अकाल तख्त साहब का अपने तौर पर कोई आप कह सकते भी कोई वड्डा कोई एडा स्ट्रक्चर नहीं है, बॉडली स्ट्रक्चर या मनुखी स्ट्रक्चर नहीं है, पर सिद्धांत शक्तिशाली है, जो उसके आगू जी संस्था है संस्थावान चलदियाँ तो बंद ही ना बिल्कुल अग उन्होंने अगुवाई तो बंद ने करनी होंगी बिल्कुल,